नेक्स्ट वन, कॉल हु का बेल एक मुहावरा है. व्हाट इज मुहावरा? वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन्स. व्हाट इज दैट? प्रोवर्ब. मुहावरा मीन्स प्रोवर्ब, पतंजलि. इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है. सो कोल्हू का बैल इज द यूसेज. इट इज गिवन टू वन पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग. ओके, सो कोल्हू का बैल എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ്, ഒരു പ്രോവേർബ് ആണ് കോൽഹു കാ ബൈൽ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൺ സിമിലർ വേർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ദ मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ रोचक मुहावरे दिए गए हैं. मेहनत और कोशिश से, हार्ड वर्क एंड एफर्ट. सो नेक्स्ट प्रोवर्ब्स आर आल्सो रिलेटेड टू दैट. खूब पसीना बहाना. खूब पसीना बहाना, पसीना का मतलब स्वेट. सो खूब पसीना बहाना, व्हेन वी आर हार्ड वर्किंग वी विल बी स्वेटिंग, राइट? सो दैट खूब पसीना, इसका मतलब कठोर प्रयत्न करना. व्हाट इज दैट? कठोर प्रयत्न करना, मेकिंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क. एंड रात दिन एक करना. रात दिन एक करना का मतलब मीन्स दैट इज ऑल्सो वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर टेकिंग टू मच ऑफ एफर्ट. एंड कड़ी मेहनत करना मीन. लास्ट वन, एड़ी छोटी का जोर लगाना. दैट इज ऑल्सो बहुत प्रयास करना. सो दीज थ्री प्रोवर्ब्स मीनिंग्स आर सेम. ओके, व्हाट इज द मीनिंग? कड़ी मेहनत करना और बहुत प्रयास करना, दैट इज टेकिंग टू मच ऑफ एफर्ट और डूइंग हार्ड वर्क. ओके, सो वी हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस दैट आई विल गिव यू. नाउ द लास्ट वन, इट इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डन इट बाय योरसेल्फ. किसी ने कविता की पंक्तियां लिखते समय कुछ शब्दों को गलत लिख दिया है. सब एरर्स आर देयर, सम मिस्टेक्स आर देयर. यू हैव टू करेक्ट इट बाय रीडिंग द पोएम. आप इन्हें सही करके लिखिए. एक पटकू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे. सम सम लेटर्स आर गिविंग इन ए रॉन्ग वे. सो यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक फ्रॉम द पोएम एंड करेक्ट इट एंड राइट द अगेन. क्लियर? ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एथ लेसन ऑल्सो. एंड इन योर नोटबुक यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स 5 टाइम्स एंड यू हैव टू ड्रॉ ए ब्यूटिफुल पिक्चर रिलेटेड टू दैट लेसन. ओके, सो नो क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन बिकॉज इट्स ए पोएम. And in the text bag, we have to write meanings and odd one out and anekarthi shabd and that corrected words also. Okay, so thank you.